quadratic equation if they exist by the method of completing the square. 2h square minus 7h plus 3 is equal to 0. तो हमें 2h स्क्वायर माइनस 7h प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, रूट फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर जो यहां पे a है, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो जो यहाँ ए है उसी से हम डिवाइड कर देंगे, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखते हैं 2h स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 से हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड। तो अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बाई 2 एक्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बाई 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमें यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर में होना चाहिए, a प्लस b के होल स्क्वायर में होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में होना चाहिए, या फिर इस फॉर्म में होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि इस पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में होगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में होगा, ये डिपेंड करता है जो कोफिशियंट है एक्स उसका। तो एक्स का कोफिशियंट अगर माइनस में है, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये ब्रेक होगा, तो हम एक्स को ए मान लेते हैं, यानी ए का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब चाहिए हमें 2ab, 2 ले लिए, ठीक है, a हमारे पास x है और b क्या है, 7 by 2 into 2। देखो यहां पे 7 by 2 तो ऑलरेडी था, लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 by 2 x आ जाएगा, इसी चीज को लिखे, लेकिन फॉर्म में क्या रखे, माइनस 2ab, 2 a इसको मान लिए, जो बच गया वो हो गया b, b कौन हो गया 7 by 4, ओके, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, प्लस अब b स्क्वायर, b की जगह क्या है 7 by 4, तो 7 by 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अगर 7 बाई 4 का होल स्क्वायर किए हैं तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अगर प्लस किया है तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, ओके, उसके बाद क्या है, ये तो कट जाएगा, आ जाएगा 0, बस इसको फॉर्म में लाने के लिए हमने ऐसा किया, प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां पे देखिए x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फॉर्म में हो गया, 2a 7 बाई 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक ये सबको लिख दिए। अब इसको लिखते हैं, ये क्या होगा 49 बाई 60 स्क्वायर के, सॉरी यहां माइनस है ना, ये तो यहां तक हो गया, माइनस 49 बाई 16, ठीक है, माइनस 49 बाई 16 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, इट्स माइनस 7 बाई 4 होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है इक्वल के इस साइड में आएगा, प्लस हो गया 49 बाई 16, ये प्लस है माइनस हो गया 3 बाई 2, ठीक है, एलसीएम लिए 16 49, इसको डिवाइड करो 8 3 या 24, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। अभी और सॉल्व करना है तो आगे भी इस तरह से एक लाइन दे दे रहे हैं, तो आ गया हमारे पास 8 माइनस 7
बाई फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं क्या आएगा 25/16। तो एच माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर है ये है, तो एच माइनस सेवन बाई फोर क्या होगा, इसको रूट करेंगे तो अगर रूट करते हैं ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर 25/16, यानी रूट से जब बाहर आता है प्लस और माइनस दोनों एक साथ हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। ठीक है, एच की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इधर आके क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस था तो इक्वल के इस साइड में जाके क्या हो गया प्लस हो गया प्लस। ठीक है, माइनस 5/4 दोनों हो गया, तो यानी एच के एक वैल्यू के लिए हम प्लस लिख देंगे, एक वैल्यू के लिए माइनस लिखेंगे। जैसे ही हम प्लस करते हैं तो आएगा 12/4 यानी कि 3। अगर हम माइनस करते हैं तो 7/4 माइनस 5/4 यानी कि एस का वैल्यू आ गया 2/4 1/2। तो एस के दो वैल्यू आया, दो रूट आया, एक आया क्या 3 और दूसरा आया 1/2, तो एस के दो रूट आ गए 3 एंड 1/2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, तो बोल सकते हैं इसमें क्या दिया है 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो इसको भी वही करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशियंट देखेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया x का कोफिशियंट अगर प्लस है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, अगर x का कोफिशियंट माइनस होता तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होता। तो यहाँ प्लस है यानी ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये x स्क्वायर आया, ये x बाई 2 आ गया, ये 4/2 हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये 0 रह गया। वापस आते हैं x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर हो गया प्लस 2 खुद से लगाएं, x तो है ही, बाकी क्या बचा 1/2। ओके, यहां पे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां पर डिवाइड भी कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह क्या है 1/4। देखते हैं इसको कटाएंगे वापस यही फॉर्म आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा ब्रेक किए हैं। ठीक है, यहां पे ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, बी स्क्वायर होना है, तो बी स्क्वायर क्या 1, बी क्या है 1/4 है, तो 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस किए 1/4 का होल स्क्वायर, तो माइनस भी करना पड़ेगा 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, और ये क्या है 4/2 यानी कि -2 = 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/4 यानी 2ab + b² a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, b की जगह क्या है 1/4 है, तो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके ओके, माइनस इसका स्क्वायर करते हैं 1/16 -2 = 0, इक्वल के इस साइड में लेकर जाते हैं सबको, क्लियर, इक्वल के इस साइड में लेके जाएंगे 1/16 + 2, सॉल्व करते हैं 16 1 + 8 एस प्लस 1/4 होल स्क्वायर। एस प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16, एस प्लस 1/4 होल स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा रूट 9/16, और रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3/4, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा ये इस साइड आए तो -1/4 प्लस माइनस 3/4, तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक बार हमने इसको प्लस के साथ रखा, ठीक है,
और एक बार हमने इसको माइनस के साथ रखा, प्लस के साथ रखेंगे क्या आएगा, 2/4 यानी कि 1/2, और माइनस के साथ रखेंगे क्या आएगा, -1 -3, -4/4 यानी कि -1। तो एक्स का वैल्यू आया हमारे पास 1/2 एंड -1। तो ये दो रूट्स हो गए, ठीक है, हमें रूट्स फाइंड करना था, तो ये 1/2 एंड -1, समझ में आई बात है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी रूट फाइंड करना है विथ हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, ओके, तो सेम प्रोसेस है इसका भी, तो चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद यहां पे देखो ध्यान से कि एक से डिवाइड करेंगे ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे √3x, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 3/4 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट प्लस में है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, बार बार बता रहा हूँ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक की जगह है ही रूट, ठीक है, एक की जगह एक्स था 2ab, बी की जगह क्या बचा √3, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसलिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो b की जगह हो गया √3/2, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या में टूट गया, ये है ना एक्स स्क्वायर यानी 2h√3/2। तो ये अगर ये है b है, सपोज दैट मान लेते हैं √3/2 b है, तो b स्क्वायर होना है, तो b स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर अपने मन से दिए हैं, ठीक है, प्लस किए हैं तो फिर माइनस करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई किए थे तो डिवाइड करना पड़ा था उसी तरह, ओके, बाकी क्या है 3/4 = 0, यही है। तो यहां से लेकर यहां तक ये सबको लिख सकते हैं अपन चाहे तो, क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ओके, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4, ठीक है, प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ओके, ये तो कट गया अपना, तो क्या आया हमारे पास √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। तो x प्लस √3/2 इस रूट भी करेंगे तो सेम ही आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, तो यानी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -√3/2। तो x का एक ही वैल्यू है हमेशा, तो रूट 2 ही आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन दोनों इसका मतलब x का जो वैल्यू आया ना, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, या इसको दो तरह से कर सकते हैं, अगर आप चाहें एक सेकेंड, अगर आप चाहें तो एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 था, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0 ऐसे कर लेते हैं, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे √3/2, और दूसरे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ये भी आ गया √3/2, या फिर ऐसे कर लेंगे, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो वैल्यू आएगा हमेशा उसमें दो रूट आएंगे, यहाँ पे एक आ रहा है यानी दो रूट है, लेकिन दोनों को दोनों सेम है, दोनों का दोनों क्या है -√3/2, इसका ये वैल्यू आया, ठीक है। और जब भी अगर आपका आंसर ना है सपोज दैट, तो आप एक्स की वैल्यू रख के चेक कर ले। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर भी सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं अपन, ओके, तो 2 से डिवाइड कीजिए पहले, 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
ये एच बाई टू और इसको टू से डिवाइड करेंगे तो टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो एच स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई किए, ये x की जगह a तो है ही मान लेते हैं, ये तो ये a हो गया, बचा क्या वन बाई टू। ठीक है, लेकिन टू से जो मल्टीप्लाई किए थे वो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी की जगह वन बाई फोर दिख रहा है तो वन बाई फोर का होल स्क्वायर, प्लस किए तो माइनस भी करना पड़ेगा। ओके, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, जीरो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर करेंगे वन बाई सिक्सटी प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करें, इधर लेकर आते हैं इक्वल के इसे, तो एक्स प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर ये आया वन बाई सिक्सटी माइनस टू। सॉल्व करो तो एच प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया वन माइनस थर्टी टू बाई सिक्सटी, तो ये आया। तो लिख सकते हैं एच प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थर्टी वन बाई सिक्सटी। अब यहाँ पे देखो कि एच प्लस वन बाई फोर का अगर हम लेकर आते हैं तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रूट में आ जाएगा। तो जैसे ही रूट में आया, रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता यानी इसका एक फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसका रूट फाइंड ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो बोल सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, कोई भी स्क्वायर जो है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, हेंस रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये था, तो इस क्वेश्चन में रूट फाइंड हो ही नहीं सकता चाहे किसी भी मेथड से करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।